हेलो वर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगी कि ये ब्रांड स्टाइल की जो पट्टियां हम लगाते हैं कमीज के ऊपर, दामन और चाक पे, वो कैसे लगाते हैं। बहुत इजी है और बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसके लिए मैंने स्ट्रिप्स काट ली हैं, सीधी ली हैं, स्लांट नहीं ली। तो इसकी मैंने विड्थ 2 इंचेस ली है और लेंथ जो है वो मैंने अपने चाक और घेरे के मुताबिक अलग अलग मैंने पट्टियाँ कट कर ली हैं। चॉक्स की अलग कट की हैं और घेरे की अलग कट की हैं। इनको मैंने दोनों साइड से फोल्ड कर लिया है और 1 इंच की पट्टी मेरे पास रह गई है। इस तरह से मैंने तय बिठा ली है। अब ये मैंने चॉक और घेरे पे चॉक से निशान लगाए हुए हैं। पहले मैंने इस तरह से इसकी मार्किंग की, वो नज़र नहीं आ रही थी, फिर मैंने चॉक से आपको शो करवाने के लिए चॉक से निशान लगा लिए हैं। आप भी जब स्टिचिंग करें इसकी ये पट्टियाँ लगाएं तो ज़रूर निशान लगा लें या इस्त्री से इसकी तय बिठाएं, फिर ये सीधी सीधी लगेंगी। हम चाक से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से एक स्ट्रिप लेके इसको यहाँ पे सेट करना है। चाक की सिलाई से थोड़ा सा ऊपर हमने कपड़ा लेना है और सिलाई थोड़ी नीचे से स्टार्ट करनी है क्योंकि ऊपर से हमने कपड़ा फोल्ड भी करना है। अब इसको इस तरह से नीट नीट तरीके से इसको सिलाई कर लेनी है और बिल्कुल 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से इसको सी लेना है। ये देखिए, ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी, इसका थोड़ा सा किनारा नज़र आएगा। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह लगा लेनी है। दूसरी तरफ से हमने नीचे से शुरू करना है। ये देखिए, निशान हाथ के ऊपर रखते हुए बिल्कुल आपने सिलाई लगानी है सीधी सीधी। ये पट्टियाँ हमने सीधी ही कट करनी है, बिल्कुल स्लांट कट करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम ट्रिम कर लेंगे। ये देखिए, इसको फोल्ड कर लेंगे, ऐसे फोल्ड करके बाद में सिलाई लगाएंगे। अब एक पट्टी मैं आपको चाक की दूसरी तरफ से लगाना सिखा देती हूँ। ये देखिए, एक पट्टी यहाँ से लगेगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे पहले लगाई थी पट्टी, इसके बराबर में इसको बिल्कुल सेट करना है। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगानी है और चॉक्स की हमारी सिलाई मुकम्मल हो गई। ये देखिए, मैंने बिल्कुल 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगाई है क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो थोड़ा सा ये बाहर की तरफ दिखेगा। अब हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है घेरे की, इसको हम कट कर लेंगे। घेरे पे भी निशानात लगाने हैं
इसके निशानात मिट गए हैं, मैं आपको डार्क करके दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से हमने कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा रखना है क्योंकि हम इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे। अब इसको इस तरह से घेरे की सिलाई, घेरे के ऊपर हमने पट्टी लगा लेनी है बहुत ही अच्छे तरीके से। ना ही आप पट्टी को खींचें ना ही घेरे के कपड़े को खींचें। इस तरह से ये दोनों तरफ हम सिलाई पट्टी लगा लेंगे घेरे के आगे और पीछे भी। इसको फोल्ड करेंगे तो देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी सी एक पॉइंट जितनी पट्टी हमें बाहर दिख रही है, आपको शायद कैमरे में ना पता चल रहा हो लेकिन ये थोड़ी थोड़ी बाहर को दिखाई देती है, अच्छी नज़र आती है। अब इसको हमने उल्टी तरफ अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा मैं ट्रिम कर लूँगी क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा रखा था। अब यहाँ से अच्छे तरीके से कॉर्नर सेट करके हम सिलाई लगा लेंगे। कॉर्नर को आप चाहे चौकोर सेट करें या आप इसकी तिकोनी इधर से स्लांट शेप की नोक बना लें, जैसे आपका आपको इजी लगे। ये मैंने दोनों तरह से बनाया है। ये देखिए, ये मैंने सीधा कॉर्नर बनाया है। अब इसको इस तरह से सीधा करते हुए सिलाई लगाते जाएंगे और ये घेरे की सिलाई लग रही है। यहाँ पे कॉर्नर इस तरह से आप बनाएं। ये मैंने थोड़ा सा सेट करके तिरछा यहाँ पे कर लिया है और इसकी इस तरह से मैं इसकी सिलाई करूँगी। ये देखिए, इस तरह तिरछा कॉर्नर बन जाएगा, मजबूती आ जाएगी। दोनों तरह से आप कॉर्नर बना सकते हैं। कपड़े को थोड़ा सा अंदर दबा के मैंने इसको तिरछा सेट कर लिया था। अब ये चौक की सिलाई लग रही है। यहाँ पर पहुँच के जहाँ पे हमने चौक से स्टार्ट लिया था वहाँ पर इसको अच्छी तरह से सेट करना है। जो हमने कपड़ा बचाया था एक्स्ट्रा उसको फोल्ड कर देना है बहुत ही सफाई के साथ। इसको फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई कर लेनी है। दूसरी पट्टी को भी इसी तरह से सेट कर लेना है बिल्कुल उसके बराबर। ख्याल रहे कि नीचे भी झोल ना पड़े। ये पट्टी लगानी बहुत आसान है, बस आप कोशिश करें कि आपके पास अगर सीधी पट्टियां हैं तो आप उसको बिल्कुल किनारी के रुख कपड़ा करके तो किनारी के रुख से आप कपड़ा लें तो उस तरह से आपकी पट्टी ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब ये देखिए, अब हमारी सारी सिलाई होने वाली है। यहाँ पे भी कॉर्नर को सेट करें, चाहे तिरछे में सेट करें या चौकोर सेट करें जैसे आपने, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना अगर आपने एक कॉर्नर तिरछा बनाया तो आपने बाकी सारे कॉर्नर भी तिरछे ही बनाने हैं। तिरछे सेट करके अगर चौकोर सेट किए तो फिर बाकी सारे कॉर्नर भी चौकोर ही सेट करें। इस तरह से खूबसूरती आती है। ये मैं आपको सिखाने के लिए सिर्फ इस तरह से कर रही हूँ। देखिए, ये हमारा तैयार हो गया है। अब मैं आपको इस्त्री करके दिखाती हूँ। मैंने इसको रेड धागे से ही कर लिया है। आप चाहें तो नीचे कमीज़ वाली साइड पे आप शर्ट के कलर का धागा भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से हमारी पट्टियाँ लग गई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर नोटिफिकेशन नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में।